हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है एंड आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए आप करंट अफेयर्स कैसे कर सकते हैं, आपको कितने ड्यूरेशन के लिए करंट अफेयर्स करने चाहिए, क्या क्या तरीके हैं, कौन सी मैगजीन्स करनी है, नहीं करनी है। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। एंड उसके अलावा आई विल शो यू कि मैंने 2020 के अपने अटेम्प्ट के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन थी उनका कैसे इस्तेमाल किया था। तो आई विल शो यू माई मैगजीन्स कि मैंने उसमें कैसे नोट्स बनाए थे फास्ट रिविजन के लिए। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो ऐसे देख सकते हैं। एंड सबसे पहले, एज ऑलवेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी हेविली प्रिलिम्स फोकस्ड, बट इन मेन्स, इन GS3 एंड स्पेशली टू गिव एग्जाम्पल्स, आप मेन्स में भी नहीं यूज कर सकते हो, बट ज्यादा इंपॉर्टेंस करंट अफेयर्स का बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से इन दो चार एरियाज में, प्रिलिम्स में आता है। तो प्रिलिम्स में अगर आपको क्लियर करना है तो करंट अफेयर्स बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी। एंड मेन्स में भी इट एड्स वैल्यू टू योर आंसर्स, GS3 में स्पेसिफिकली, क्योंकि GS3 में जो सवाल आते हैं आपके वो काफी ज्यादा इकोनॉमी से, इंटरनल सिक्योरिटी से, या मतलब जो भी करंट चीज़ें चल रही होती हैं वो GS3 में काफ़ी ज़्यादा आती हैं। एंड अगर आपके पास वहाँ पे एग्जाम्पल्स होते हैं सो दे जस्ट एड वैल्यू टू योर आंसर। सो फॉर दिस रीजन करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा, ऑल दो प्रायोरिटी आपको हमेशा पहले स्टैटिक सब्जेक्ट्स को देनी चाहिए, क्योंकि स्टैटिक अगर आप कर लोगे तो द करंट अफेयर्स विल ऑल्सो मेक मोर सेंस। सो मूविंग फॉरवर्ड, तीन मेजर तरीके हैं जिससे आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि यू मेक न्यूज़पेपर नोट्स बाय योर सेल्फ। ये ऑब्वियसली थोड़ा हाई एफर्ट मेथड है, बट इट गिव्स यू दी हाईएस्ट रिवॉर्ड्स एज वेल। सेकेंड मेथड जो है, जो मैंने प्रेफर किया था, विच इज करंट अफेयर्स मैगजीन्स। दीज आर द मंथली मैगजीन्स, जो मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस आती हैं। कोई भी मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप विजन ले लो, या आप इनसाइट्स, या IAS बाबा, या दृष्टि, या वाजीराम, या किसी का भी आप करंट अफेयर्स मैगजीन ले सकते हो। एंड द थर्ड आर द कंपाइलेशंस। कंपाइलेशंस क्या होती हैं? दीज आर प्रिलिम्स और मेन्स स्पेसिफिक, एंड दिस विल बी जस्ट अ मॉड्यूल सब्जेक्ट वाइज ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। फॉर इंस्टेंस, PT365 जो विजन निकालता है, विजन IAS, तो दैट इज अ वेरी पॉपुलर कंपाइलेशन सच एज दिस। तो PT365 और करंट अफेयर मैगजीन्स जो, ये कंपाइलेशन और इनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। मेजर डिफरेंस बस ये है कि द कंपाइलेशन इज अरेंज्ड बाय सब्जेक्ट एंड दिस इज अरेंज्ड बाय टाइम या मंथ्स। तो इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, कंटेंट दोनों का ऑलमोस्ट सेम सही रहता है। सो लेट्स डिस्कस द प्रो एंड कॉन्स ऑफ ईच मेथड। तो न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने का प्रो सबसे बड़े, ऑब्वियसली, कि इट हैज़ गुड रिटेंशन, क्योंकि आप न्यूज़पेपर में पहले उसे पढ़ोगे, फिर उसे आप नोट डाउन करोगे, एंड फिर उसे आप ऑर्गेनाइज करोगे कि इसे कहाँ जाना चाहिए, कौन से पेपर के हिसाब से, या इस नोट को कहाँ पे नोट करें। क्योंकि जस्ट अगर आप एक नोटबुक में सारी चीज़ें एक के बाद एक लिखते जा रहे हो तो वो नोट करने का भी आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज इट हेल्प्स यू इन इंक्रीजिंग रिटेंशन। आपको याद ज़्यादा रहेंगी वो चीज़ें, एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द रेलिवेंस। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ पूरा न्यूज़पेपर आप अपनी नोटबुक में नोट करने लग गए हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस। ये कैसे आएगा? बाय कवरिंग स्टैटिक पोर्शंस फर्स्ट। कि स्टैटिक आपने कवर कर लिया है तो आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा अंदाजा लगने लग जाएगा। न्यूज़पेपर नोट्स बनाने का सबसे बड़ा, कि सबसे बड़े प्रॉब्लम ऑब्वियसली इज दैट इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड यू नीड टू डू इट डेली। यू कैन नॉट मिस अ डे, क्योंकि उसे फिर अगले दिन वही लगता है कि भाई 2 दिन का करना पड़ेगा, फिर सरदर्दी, इट इज जस्ट स्ट्रेसफुल। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट यू हैव टू डू इट एवरी डे एंड यू कैन फॉल बिहाइंड समटाइम्स, विच कैन बी प्रॉब्लमैटिक। ऑन द अदर हैंड, करंट अफेयर्स मैगजीन का प्रोज है लेस एफर्ट, एंड उसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर में जैसे कभी कभार बैकग्राउंड नहीं मिलता है तो करंट अफेयर्स मैगजीन में आपको बैकग्राउंड भी दे देंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले। इसमें दिक्कत ये रहती है कि हिंदी मीडियम में प्रॉब्ली आपको कंटेंट कभी कभार शायद ना मिले, बट इसमें भी इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या है नहीं है, आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करनी है।
मल्टीपल टाइम रिविजन्स आप नहीं करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ईच मैगजीन, मंथली मैगजीन अगर बात करो तो इट्स अबाउट 100 पेजेस, एंड 100 पेजेस इन टू 12 मंथ्स, आपको 1200 पेजेस एक बारी पढ़ के नहीं याद होने वाले हैं. सो यू हैव टू रिवाइज द मल्टीपल टाइम्स, एंड ऑब्वियसली दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ओवर हियर. जैसे अपने न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हो तो 2 बारी तो आपने तभी की तभी उसको देख लिया है, एक बारी न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए, फिर एक बार अपनी नोटबुक में लिखते हुए एंड अरेंज करते हुए. उसके बाद ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो रेफर टू द नोटबुक अगेन, सो इट इज ईजियर फॉर यू टू रिकॉल. बट यहाँ पे आपने सीधा पढ़ा और फिर आप अगली बार पढ़ोगे, सो रिकॉल माइट बी अ लिटिल लेस, सो मल्टीपल रिविजन आर रिक्वायर्ड एंड नॉट ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट वाइज. कंपाइलेशंस प्रोज ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट वाइज, ईजी टू रेफर. ईजी टू रेफर क्यों? क्योंकि मंथली मैगजीन जो होती है उसमें क्या होगा कि एक ही महीने में आपको पॉलिटी भी मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस भी मिलेगा, इकोनॉमी मिलेगा, सोशल भी इश्यूज भी मिलेंगे, सब कुछ एक ही मैगजीन में मिलेगा. बट कंपाइलेशन में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पे लेट से 100 पेजेस या 120 पेजेस का एक की एक बुकलेट मिल जाएगी, एंड उस बुकलेट में पिछले एक साल के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो आपको वहीं के वहीं दिख जाएंगे. सो इट्स ईजियर टू रेफर समटाइम्स, बट इट इज वेरी वेरी डेंस. क्यों? क्योंकि अब एक ही सब्जेक्ट की आप 100 पेजेस तक बात कर रहे हो, तो इट्स जस्ट लाइक लक्ष्मीकांत, आपने एक छोटा सा पार्ट उठा लिया और उसको आपको दोबारा करना है विद ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ अपडेट्स. यहाँ पे भी थोड़ा ये इशू रहती है कि हिंदी मीडियम का कंटेंट इतना तैयार नहीं होता है. देर आर सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विच आर कमिंग अप विद दिस, बट देर इज स्टिल सम एफर्ट दैट हैज टू बी पुट इन इफ यू डूइंग दिस बाय योर सेल्फ. सो दीज आर दी आइडियाज, ये 3 मेजर तरीके आपके हैं. एंड इसके बाद हम आते हैं मैगजीन्स पे, कि EPW या योजना, कुरुक्षेत्र, ये मैगजीन्स बहुत लोग फ्रंट लाइन, देर आर मल्टीपल मैगजीन्स विच यू ओनली नीड टू डू इफ यू हैव टाइम. ये मैगजीन्स एकदम हर बार करने की जरूरत नहीं है, हर महीने करने की जरूरत नहीं है. आपको अगर कोई पर्टिकुलर इशू इंपॉर्टेंट लगे, लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर योजना का, डिजास्टर मैनेजमेंट का इशू आपको मिलता है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू. बट सारी योजना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारी कुरुक्षेत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, EPW पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन यूज देम फॉर वैल्यू एडिशन, कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो देन यू कैन यू नो गेट अ मैगजीन, इन डेप्थ आर्टिकल्स जो उनके होते हैं वहां से आप उस पर परस्पेक्टिव ले सकते हो कि हाँ जी ये प्रॉब्लम की कोर दिक्कत क्या है. सो यू कैन गेट यूज देम परस्पेक्टिव ऑन प्रॉब्लम्स, बट यू डोंट हैव टू डू देम रेगुलरली. अगर रेगुलरली आप इन्हें कर रहे हो सो दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. क्यों? क्योंकि आप जो करंट अफेयर्स की मैगजीन कर रहे हो या न्यूज़पेपर जो नोट्स बना रहे हो, वही सारी चीजें इन मैगजीन में होंगी, और मेंस में जब एक्चुअली इस कंटेंट का काम आएगा तो यू विल नॉट हैव टाइम टू गो डीप, यू विल हैव टू गो फॉर ब्रेड्थ, एंड ब्रेड्थ में इन मैगजीन्स का कोई बहुत ज्यादा काम नहीं रहता है. सो आप अपने ऑप्शनल के लिए वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो मे बी यू कैन रीड EPW और योजना, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या ऑप्शन है कैसे. बट फॉर मेंस, इनमें से कोई मैगजीन पढ़ने की आपको रेगुलरली जरूरत नहीं है. यू कैन डू इट ओनली इफ यू हैव द टाइम, कि अगर टाइम बचा हुआ है जो कि कायदे से नहीं बचना चाहिए, देन यू कैन डू दिस, बट रेगुलरली करने की कोई जरूरत नहीं है. नाउ लेट्स कम टू माई नोट्स, कि जो 2020 में मैंने फोरम की मैगजीन से करंट अफेयर्स अपने किए थे. सो दिस इज द नेम ऑफ द मैगजीन, फैक्टली. तो जनवरी 2020 की ये मैगजीन है, एंड आई शो यू वॉट आईव डन टू मेक माई नोट्स. सो दिस इज द इंडेक्स. अब इंडेक्स में मैंने क्या किया है कि यहीं पर मैंने एक स्टिकी नोट बना लिया है, कि अब जैसे page 1 पे 2 ये न्यूज़ आर्टिकल्स थे, एंड इन 2 न्यूज़ आर्टिकल्स को मैंने यहीं की यहीं समराइज करके लिख दिया है, कि यहाँ पे आ रहा है ब्रू रेफ्यूजीज इन त्रिपुरा, अग्रीमेंट हुआ है कुछ, तो मिजोराम, त्रिपुरा एंड ब्रू रेफ्यूजीज के बीच में हुआ है दैट दे वर ड्रिवन आउट बाय मिजो आउटफिट्स, कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रियांग ट्राइब के बारे में है, PVTG है विच इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इन त्रिपुरा, सेटलमेंट रिजेक्टेड, क्लासिकल लैंग्वेजेस. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द होल बुकलेट अगेन, मैंने अपने नोट्स सारे के सारे यहीं इंडेक्स में इस तरीके से बना लिए हैं, कि आर्टिकल 131 क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, केरला सूट द यूनियन ऑफ इंडिया फॉर ओवर CAA, ह्यूमन राइट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट, आर्टिकल 300A के बारे में है ये. तो आप देख रहे हो कि इंस्टेड ऑफ गोइंग हैविंग टू रीड 10 पेजेस, मुझे बस ये
15-16 नोट्स पढ़ने हैं जो मैं अपने लिए बना लिए हैं, विच मेक माई लाइफ ईजियर. क्यों? क्योंकि अब जनवरी मंथ की जो मैगजीन है पूरी अगर देखी जाए तो इट हैज सम 72 पेजेस, राइट, या 62 पेजेस. बट 62 पेजेस की बजाय मैंने इसको कंडेंस कर दिया है वन सेकेंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज. फोर्थ पेज भी पूरा नहीं है, मतलब 3.5 पेजेस में मैंने इसे कंडेंस कर दिया है. एंड इनमें सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करी हुई हैं, राइट. एनी वेसेंट, तो ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो मेकिंग जोक्स टू माई सेल्फ ओवर हियर. सो मणिपुरी फोक फेस्टिवल मेटे कम्युनिटी का लाई हायर फेस्टिवल है. एंड इस तरीके से आप अपने जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे 2020 का जो करंट अफेयर मैंने मेंस के लिए एंड फिल्म्स के लिए तैयारी करी थी, तो आई हैड मेड अ इंडेक्स का फाइल कि हर महीने का ऐसा इंडेक्स मैंने लिया. फॉर इंस्टेंस मार्च का देखो तो मार्च का भी ये इंडेक्स पे मैंने यही चीज़ें करी हुई हैं. एंड ये पूरा आपकी फाइल जाएगी टिल अगस्त सितंबर. तो हर महीने का जो करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पे जो भी मुझे लगता था कि भाई इंपॉर्टेंट है क्या. अब इनमें सब चीज़ों में मैंने क्यों नहीं किया है, क्योंकि सम ऑफ दीज थिंग्स आर रिपीटेड एंड बिकॉज दे आर रिपीटेड तो कहीं वो ऊपर कवर हो गई होंगी या मुझे वैसे याद हैं, सो आई हैव नॉट डन दैट. तो जो मुझे लगा कि इसमें नया आया है आई हैव मेंशन एंड मेड अ नोट ऑफ देम. तो अब जैसे मार्च का ये हो गया तो सिमिलरली अप्रैल. सो इसी तरीके से अगर आप देखो तो मैंने हर महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है उसको इसी तरीके से नोट करके एक सिंगल फाइल बना ली है. मई में ये ऊपर वाला जो पार्ट था दिस इज मेंस स्पेसिफिक, तो मेंस मैगजीन को अभी नहीं किया है. प्रीलिम्स मैगजीन को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डाला है यहाँ पे. एंड सिमिलरली दिस गोज ऑन फॉर नेक्स्ट द मंथ ऑफ जून इज वेल, कि ये मेंस की मैगजीन है, ये प्रीलिम्स की मैगजीन में फिर से नोट्स करे हुए हैं. एंड इस तरीके से मैंने टिल अक्टूबर सारे अपने जो करंट अफेयर्स के नोट्स हैं ऐसे समराइज कर लिए हैं. एंड दिस इज जस्ट 30 पेज फाइल, कि ये सिंपली एक 30 पेज मेरी फाइल बन गई है. एंड इस 30 पेज फाइल में इट्स वेरी वेरी इजी फॉर मी टू रिवाइज एवरीथिंग. सॉरी अबाउट दैट. 30 पेजेस ओनली, कि 30 पेजेस में मैंने एक साल के करंट अफेयर कंडेंस कर दिए हैं. तो अगर आप अपने करंट अफेयर्स नोट्स के लिए ये कर सकते हो कि आपने बहुत सारी चीजें लेके उन्हें एक छोटे से स्पेस में कंडेंस कर दिया ताकि इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू रिवाइज देम. लाइक फॉर इंस्टेंस ये एक साल के करंट अफेयर्स इस तरीके से बना के मुझे रिवाइज करने में अराउंड एक दिन लगता था, कि एक दिन में मैं एक साल के करंट अफेयर्स कवर कर सकता हूँ, जो कि अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू. सो हेंस ऑब्वियसली इट इज एडवाइजेबल दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ जो 3 तरीके मैंने बताए हैं, विच वर कि न्यूज़पेपर से आप नोट्स बना रहे हैं, या फिर आप करंट अफेयर्स मैगजीन से कर रहे हैं, या फिर आप कंपाइलेशन से कर रहे हैं, एवरीवेयर इट इज एडवाइजेबल दैट यू मेक योर ओन नोट्स, बिकॉज इफ यू आर नॉट मेकिंग योर नोट्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिवाइज व्हेन द टाइम कम्स. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को पसंद आया. इफ सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.